And we are also saying good afternoon to Kavinder Gupta, the former Deputy Chief Minister of the State of Jammu and Kashmir, who's with us here on the phone line. Kavinder Gupta sahab, mujhe nahi pata ki kya aap Saifuddin Sos ka pura comment sun sake ya nahi sun sake, lekin unhone kahin bhi is puri vaarta mein terrorist shabd ka istemal nahi kiya. Wo ye kehte hai ki boys with guns hote hain Hurriyat conference ke liye. To aisi kya wajah hai ki Congress party terrorist shabd ka istemal nahi kar pati jab Hurriyat aur separatist ki baat aati hai, Gupta sahab? Aisa hai ki Congress ka asli chehra logon ke samne aaya hai सैफुद्दीन सोज की इस बयान के माध्यम से. वो शुरू से ही यही कारण है कि जो कश्मीर में पिछले 70 सालों से जो पोजीशन खराब हुई है, ये आज नहीं हुई, नेहरू से लेकर के सोज तक, गुलाम नबी आजाद तक, इनकी यही सोच थी. उसी के कारण से इन्होंने कभी टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहा है. वो हमारे ये है, ये हमारे हैं, ये सब करके हुर्रियत के सपोर्ट ये करने वाले लोग आज कांग्रेस के नेता बन करके बैठे हैं. तो मुझे लगता है कि वही कारण है जिसके कारण से माहौल सारा खराब है. लेकिन कविंदर गुप्ता साहब, ये वही तो कांग्रेस पार्टी है जिसने आप पर और पीडीपी पर इल्जाम लगाए. कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि बीजेपी से सरकार नहीं चली, इस वजह से बीजेपी सरकार छोड़कर भाग गई. लेकिन जब इस तरह की बात सामने आती है तो क्या ये ऐसी बात है जो एक ऑर्डिनरी कश्मीरी या एक ऑर्डिनरी इंडियन आज सुनना चाहेगा? ऐसी क्या वजह है कि सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, ना ही हमारे देश के? बिल्कुल, कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, मणि शंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर के बोला कि अगर पाकिस्तान हमारा साथ दे तो हम वहां पर सरकार बना सकते हैं. ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं. मुझे लगता है कि इस सोच को कहीं ना कहीं नकारना होगा. आज कश्मीर की जो हालत है, नेहरू से लेकर सैफुद्दीन सोज तक, मैंने पहले कहा, ये जो उनकी सोच के कारण से इसके माहौल खराब हुआ है. इन्होंने राष्ट्रभक्त लोगों का कभी साथ ना देकर के इस कश्मीर को जम्मू या पूरे भारत से अलग करने की जो प्रवृत्ति है, इनके दिमाग में शुरू से ही है. ठीक है, कविंदर गुप्ता साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सुशील पांडे.